वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के सेकंड पेपर के बारे में जो कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा बी तृतीय वर्ष में जब आप जाते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको तीन पेपर देने होते हैं हर एक सब्जेक्ट के तो उन्हीं में से मैं आपको बताऊँ कि शिक्षा शास्त्र में भी आपको तीन पेपर देने पड़ेंगे और तीसरे पेपर में दो खंड हैं आपके लगभग तो दोनों में से कोई एक पढ़ना होता है हालांकि वो बात की बात है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन फिर भी आइए हम चर्चा करते हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर दो के बारे में जिसके अंतर्गत हमको मापन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है खास करके शैक्षिक मापन और शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में जानना है शिक्षा शास्त्र बी तृतीय वर्ष के छात्र छात्रात्राओं के लिए यानी बी थर्ड ईयर के छात्रात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एक प्रकार से ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा न्यू मॉडल पेपर होगा आपकी परीक्षाओं के लिए 2023 के और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा निश्चित तौर पर जब आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा इसलिए चूंकि एक ही वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानते हुए आप अपने मॉडल पेपर को जान पाएंगे कि हमारे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है इस बारे में भी मैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा तो आइए हम चर्चा करते हैं और ख़ास करके पेपर टू से रिलेटेड बच्चों में ये कमियां देखी गई हैं खास करके जहाँ तक मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि आप लोग जो सवाल आते हैं इसमें मापन और मूल्यांकन में आपको पता होगा जैसे सोशोलॉजी uh, में सोशल रिसर्च मेथड होता है ठीक उसी प्रकार से मापन और मूल्यांकन का पेपर वही पैटर्न मतलब वही चीज़ है कुल मिलाकर के ऐसे वही बहुलक पढ़ना है मध्यमान वही है माध्यिका वही है ठीक है तो वही सब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे मानक विचरन वही सब आपको पढ़ना सांख्यिकी वगैरह के बारे में ही जानना है जो आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं ठीक है तो अगर सोशियोलॉजी और शिक्षा साल दोनों है तो आप आसानी से अच्छे तरीके से आपका आप पेपर तैयार होगा चूंकि उसमें भी यही पढ़ना है इसमें भी यही पढ़ना है और मनोविज्ञान में भी आपको काफ़ी हद तक यही पढ़ना होता है एक सब्जेक्ट में थर्ड ईयर में तो एक पेपर के अंतर्गत तो शिक्षा शास्त्र में जो आपका पेपर पूछ मतलब सवाल वाले प्रश्न होते हैं जैसे कि आपको कुछ आंकड़ा दे दिया जाएगा पूछ लिया जाएगा कि निम्न की सहायता से मध्यमान की गणना करें या निम्न आंकड़ों से माध्यांक ज्ञात कीजिए या इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि अधोलिखित आंकड़े में बहुलक ज्ञात कीजिए तो ऐसे कई प्रकार के सवाल आते हैं जिससे आप घबरा से जाते हैं तो उन सभी सवालों को हल करके बताऊंगा ट्रिक भी बताऊंगा कैसे हल की जाती है सारी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा आइए हम चर्चा करते हैं ठीक है पेपर टू के बारे में तृतीय बेतवर शिक्षा शास्त्र शैक्षिक मापन एंड मूल्यांकन यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेजरमेंट मापन को एंड एबूशन बोलते हैं एक प्रकार से मूल्यांकन को तो खास करके मेज़रमेंट एंड एवेल्यूशन इन एजुकेशन ये शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का मतलब होता है अंग्रेज़ी में तो आइए चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि लिखित क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं तो लिखित में आपको दो पेपर एक प्रकार से खास करके देने होते हैं कितने भाई सॉरी लिखित में दो तीन टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं पहला तो आपका होता है अति लघुत्रीय टाइप का प्रश्न दूसरा होता है आपका लघुत्य और तीसरा होता है आपका दीर्घोत्रीय टाइप का प्रश्न अति लघुत्रीय प्रश्नों को मैं चर्चा करूँगा दस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब दस आपके अति लघुतरीय प्रश्न होंगे इस वीडियो के माध्यम से दस लघुत्य प्रश्न और खास करके अगर मैं बताऊँ आपको तो जो है पांच दीर्घ उत्तरीय होंगे जिनमें से केवल आपको दो करने हैं लघु उत्तरी में केवल आपको पांच करने होंगे दी और अति उत्तरी में आपको दस के दसों करने होते हैं तो इस प्रकार से कुछ मॉडल पेपर मैं बताने का प्रयास करता हूं हर एक सब्जेक्ट का और ये मॉडल पेपर हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें तीनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाते हैं और आप किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हैं तो आप में कैसे भी पूछा जाएगा तो आपको निर्देश में दिया लेगा कि भाई इतने प्रश्न के उत्तर करने हैं ठीक है तो और इतने शब्दों में करने हैं तो आइए देखते हैं अधिकतर यूनिवर्सिटीज सभी प्रश्नों को करने के लिए बोलती हैं खंड आ से यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पचास शब्दों में निर्देश दिया होता है आपको लिखने का दो नंबर का होता है एक पेपर मतलब एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से पचास शब्दों में लिखेंगे तो आपको दो नंबर मिलेगा एक प्रश्न के लिए ये बात ध्यान रखिएगा तो आइए चर्चा करते हैं हम पहले प्रश्न की ओर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न आपका है मूल्यांकन के बारे में बताएं प्रश्न क्या है भाई मूल्यांकन ऐसे आपको मूल्यांकन लिख करके छोड़ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि मूल्यांकन के बारे में बताएं तो इसका मतलब ये है केवल मूल्यांकन लिखा हुआ आपके पेपर में मिलेगा तो इसका मतलब है आपको मूल्यांकन की परिभाषा बतानी है मूल्यांकन के बारे में बताना कि भाई मूल्यांकन होता क्या है ये आपको समझाना है ठीक है तो मूल्यांकन यानी कि एविल्यूशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं इसको ये अर्थ को समझाते हुए प्रोफेसर वांट और ब्राउन महोदय कहते हैं कि मूल्यांकन जो होता है किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य प्रक्रिया की ओर संकेत करता है मूल्यांकन मापन पर निर्भर करता है और यह मापन का समानार्थी नहीं होता है मूल्यांकन मूल्यांकन इस प्रकार के उत्तर में मापन से आगे हो जाता है क्या प्राप्त मात्रा वांछनीय है ये एक प्रकार से आपका मापन होता है और इससे एक प्रकार से क्या जो प्राप्त मात्रा है वो एक प्रकार से कितनी क्वालिटी की है ये पता करता है मूल्यांकन आपका यानी मैं आपको बताऊँ क्वालिटी को एक प्रकार से नापता है क्या क्वालिटी मापने की क्रिया एक प्रकार से आपकी कहलाती है मूल्यांकन और क्वांटिटी जो एक प्रकार से मापती है मापन ठीक है तो मूल्यांकन जो होता है क्वान्ट क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की और क्वांटिटी बताता है मापन ठीक है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मापन और मूल्यांकन में अभी अंतर को लेकर के हमने प्रश्न रखा है चर्चा करेंगे हालांकि मापन की मूल्यांकन की परिभाषा को देते हुए आ, रेमर्स और गेज महोदय कहते हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से देखें जो उत्तम एवं वांछनीय है उसका ही प्रयोग किया जाता है ठीक है जबकि टारगेरसन और एडम्स महोदय कहते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना और इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से मतलब होता है शिक्षण प्रक्रिया या सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना ये मतलब होता है मूल्यांकन का इसके अलावा जो है क्वलेन और हन्ना महोदय के अनुसार परिभाषा आती है कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्षियों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है प्रोफेसर डांडेकर कहते हैं कि शैक्षिक मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित है और वे कहते हैं कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में हम दे सकते हैं जो इस बात को निश्चित करती हो प्रक्रिया कि किस सीमा तक विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है तो ये शैक्षिक मूल्यांकन की कुछ परिभाषा मैंने विद्वानों के अनुसार आपको बता दी वो मिला करके जो मूल्यांकन होता है मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मान लेते हैं कि कोई चीज़ है जैसे मान लेते हैं एक किलो चीनी है तो एक किलो चीनी है तो एक किलो चीनी है यानी कि कितनी चीनी इतनी चीनी मान लेते हैं इतनी चीनी एक किलो चीनी है ये ठीक है तो इस चीनी का एक प्रकार से मूल्य का अंकन कैसे होगा एक किलो चीनी जो इतनी एक प्रकार से है उस चीनी का एक प्रकार से जो भाव होगा जो मूल्य होगा उसी को नापना यानी एक किलो चीनी का दाम कितना है चालीस रुपये तो ये चालीस रुपये क्या है क्योंकि चालीस रुपये की क्वालिटी है चीनी की कि भाई वो चालीस रुपये लेगी इतने सामान के लिए तो एक प्रकार से ये मूल्य का अंकन करना किसी मूल्य को आँकना मूल्य को आँकना किसी चीज़ का ठीक है तो इसी प्रकार से शिक्षक जो शिक्षण प्रक्रिया है या एक प्रकार से शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहा इसको जानना एक क्वालिटी किसी चीज़ की पता करना ये सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो कोई मिला के जो तो जो मूल्यांकन होता है इसकी अगर बात की जाए तो मूल्यांकन में किसी घटना का मूल्य ज्ञात किया जाता है और आप मापन में देखते हैं कि जैसे कि आप किसी चीज़ को इंची टेप से नापें या एक प्रकार से लंबाई में मापें या एक प्रकार से आप किलो में मापें तो ये सब क्या होता है मापन ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा अभी हम इसके अंतर को समझते हैं मापन और मूल्यांकन के बारे में हमने प्रश्न रखा है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है सहसंबंध क्या होता है सहसंबंध को अंग्रेजी में कोरिलेशनशिप बोलते हैं तो सहसंबंध की बात की जाए तो आपको पता होगा तो सह संबंध की अगर बात की जाए तो दो चल राशियों का जो पारस्परिक संबंध होता है उसी को सहसंबंध बोलते हैं इससे यह ज्ञात होता है कि कोई भी दो गुण कितनी मात्रा में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं उसी को एक प्रकार से सहसंबंध बोला जाता है सहसंबंध माने एक प्रकार से अन्योनाश्रिता का संबंध होता है एक चल का दूसरे चल के प्रति कितना डिपेंडेंट है एक दूसरे के प्रति तो उसी उसी संबंध को हम सहसंबंध बोलते हैं लैथराप महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं सहसंबंध की कि दो चल राशियों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर सहसंबंध का संकेत करते हैं ये ठीक है गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि सहसंबंध गुणांक वह संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक का परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करता है यानी एक में अगर परिवर्तन होता है एक राशि में तो दूसरी राशि में कितना परिवर्तन होता है या उसके वजह से कितना परिवर्तन हो सकता है या कितना होता है तो एक प्रकार से उसी को सहसंबंध बोला जाता है गैरट महोदय परिभाषा देते हुए कहते हैं एक सहसंबंध के बारे में कि दो या दो से अधिक राशियों या घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को ही हम सहसंबंध कहते हैं ठीक है ब्लूमर और लिंड क्विस्ट कहते हैं कि जब व्यक्ति या वस्तुएं औसत से अधिक या औसत से कम एक ही दिशा में या एक दिशा में हो और साथ ही साथ यह इसी दिशा में भी औसत से अधिक या औसत से कम हो तो यह प्रवृत्ति सह संबंध की प्रवृत्ति कहलाती है कोई मिलाकर के सह संबंध का मतलब होता है साथ साथ आगे बढ़ना या एक प्रकार से दो राशियों या फिर दो से अधिक राशियों के बीच में या घटनाओं के बीच में या वस्तुओं के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है यानी कि मान लीजिए तो दो चलराशि है एक ए है और दूसरी बी है और दोनों के बीच में संबंध होता है पारस्परिक संबंध यानी एक प्रकार से अगर इधर से भी कुछ जा रहा है तो इधर से भी कुछ आ रहा है यानी इस प्रकार से पारस्परिक संबंध होगा यानी जितना संबंध ए e, बी से है उतना ही संबंध बी का ए से है यानी इस प्रकार से संबंध होता है तो दो राशियों के बीच के संबंध को हम सह संबंध के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा माध्यिका किसे कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है माध्यिका के बारे में पूछा गया है माध्यिका की परिभाषा दीजिए माध्यिका के बारे में बताएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख माप होती है माध्यिका ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा गैरट महोदय माध्यिका की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि जब व्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रमिक दशा में हो तो माध्य का जो अंक होता है बीच का जो अंक होता है उसी को माध्यिका या मध्यांक कहते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा जेपी गिलफोर्ड महोदय परिभाषा देते हुए कहते हैं कि किसी मपनी पर मध्यांक वह बिंदु है जिसके ऊपर 50% परसेंट केसेज होते हैं और उसके नीचे भी 50% परसेंट केस केसेस होते हैं यानी कोई मिला करके अगर मैं आपको बताऊं तो जो मध्यांक होता है जिसको आप माध्यिका बोलते हैं मध्यांक और माध्यिका एक ही बात है जिसको अंग्रेजी में मीन बोलते हैं ठीक है ठीके? मीन नहीं मेडियन बोलते हैं ठीक है ठीके? मीन बोलते हैं समांतर माध्य को माध जबकि माध्यिका या मध्यमान जो एक प्रकार से मध्यांक होता है माध्य देखिए एक मैं मेरे में, में समझा दूँ आपको माध्य और मध्यमान एक बात है माध्य और मध्यमान ठीक है ये एक होता है ठीक है जिसको अंग्रेजी में मीन बोलते हैं जबकि बात की जाए मध्यांक की ठीक है क्या मध्य का अंक मध्यांक मध्य का अंक जो होता है वो और इसी को हम और भी फॉर्म में बोले तो इसको हम बोलते हैं माध्यिका ठीक है और इसी को बोलते हैं मेडियन यम से प्रदर्शित करते हैं ये बात भी ध्यान रखिएगा तो ये होती है आपकी माध्यिका माध्यिका का सूत्र भी, भी बताऊंगा एक सवाल भी माध्यिका से रिलेटेड हमने रखा उसको भी लगवाऊंगा और आपको बता दूं माध्य सवाल के साथ ही साथ आपको एक प्रकार से माध्य मध्यमान का मध्यांक का दोनों का सवाल यानी कि माध्य और माध्यिका दोनों से सवाल और बहुलक दोनों तीनों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा तीनों सवालों को मैं हल करूंगा तो माध्यिका की बात की जाए तो माध्यिका जो होती है मध्यांक का वह अंक होता है जिसके ऊपर कोटिबद्ध वितरण के आधे प्राप्त अंक होते हैं और नीचे आधे प्राप्त अंक स्थित होते हैं जैसे कि मध्यिका का सीधा समल होता है जैसे यहाँ पर लिखा एक दो तीन चार पाँच ठीक है और मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ एक सात ये सात संख्या दी गई है आपकी अगर पूछा जाए इसकी माध्यिका क्या है तो आप बताएंगे क्या है भाई चार है क्यों चार है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि भाई मध्य का जो अंक है वो चार है तीन इसके इधर जा रहे हैं और तीन इसके इधर आ रहे हैं लेकिन हर श्रेणी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा श्रेणी जो दी गई होती है वो एक प्रकार से एक प्रकार से क्रमबद्ध नहीं दी हुई होती है जब आप कोई श्रेणी में क्रमबद्धता यानी आरोही क्रम में अगर श्रेणी है तो बीच का अंक आपकी माध्यिका कहलाएगा अगर अवरोही क्रम में यानी घटते से बढ़ते क्रम में है जैसे यहाँ पर आपका घटते से बढ़ते क्रम में है तो यहाँ पर हो जाएगा अभी यहाँ से लिखा होता सात छः पाँच चार तीन दो एक इस प्रकार से लिखा होता तो भी आपका चार ही पड़ता आप यहाँ पर लिख करके देख लीजिए उल्टा सात मैं यहाँ पर लिख दूँ छः फिर मैं लिख दिया पाँच फिर लिखा चार फिर लिखा तीन फिर लिखा दो फिर लिखा एक तो भी चार आपका बीच में पड़ रहा तीन इसके इधर तीन इसके इधर तो ये है माध्यिका इसको निकालने का भी सूत्र होता है बात ध्यान रखिएगा अभी मैं थोड़ा सा अभी समझाऊंगा सवाल मैंने रखा है तो आप टेंशन ना लें उसको लेकर के ठीक है तो माध्यिका का मतलब यही होता है कि जो बीच का पद होता है ठीक है उसके उतने मतलब लेकिन आरोही या अवरोही क्रम में होना चाहिए एक प्रकार से उसको पहले हम सजाते हैं कोई संख्या दी गई होती है कोई सीरीज ठीक है कोई आंकड़ा तो उसको हम पहले क्या करते हैं पहले उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में रखते हैं जैसे मान लेते हैं इसी की माध्यिका अगर आपको निकालनी पड़ेगी तो आप इसकी मादिका कैसे निकालोगे भाई इसकी मादिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको क्रमबद्ध करना पड़ेगा जैसे देखिए यहां पर तीन पहले लिखा है फिर पांच लिखा है फिर दो यहां पर लिखा है तो यहां पर आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा फिर पहले दो करेंगे फिर तीन लिखेंगे फिर पांच लिखेंगे ठीक है इस प्रकार से फिर सात लिखेंगे मतलब छः लिखेंगे फिर सात लिखेंगे इस प्रकार से आप एक श्रेणी में अच्छे तरीके से यानी घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते क्रम में लिख लेंगे फिर उसके बाद में मादिका का सूत्र होता है यम डी बराबर क्या होता है यम डी बराबर होता है यन प्लस वन बटे टूआ पद ठीक है ये सूत्र होता है मादिका का यन प्लस वन का मतलब होता है यन माने होता है नंबर यानी कितने नंबर है जैसे यहाँ की अगर बात की जाए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस नंबर है तो यहाँ पर दस हो जाता है आपका दस बटे एक बटे दो यानी कि एक प्रकार से वहाँ पर सात ही संख्या दी जाएगी या नौ संख्या दी जाएगी या ग्यारह संख्या दी जाएगी अगर दस भी संख्या दी गई है तो ग्यारह बटे यानी कि पाँच दशमलव पाँच वाला आपका आ जाएगा ठीक है तो वो बीच का अंक नहीं निकलेगा लेकिन माध्यिका में क्या होता है कि ऐसे अंक आपको दिए जाते हैं जैसे ग्यारह अंक देगा तो पाँच इधर हो जाएंगे पाँच उधर हो जाएंगे बीच का एक अंक आपका रहेगा वो माध्यिका वाला तो एक प्रकार से ये होती है माध्यिका अगला प्रश्न आपका चौथा नंबर सांख्यिकी के बारे में बताएं सांख्यिकी किसे कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है आपकी परीक्षा में सांख्यिकी किसे कहते हैं बताइएगा सभी लोग सांख्यिकी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे सांख्यिकी किसे कहते हैं तो सांख्यिकी की अगर बात की जाए तो एक शिक्षा शास्त्री जो होता है सांख्यिकी को शैक्षिक आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से रखने में व्यवस्थित तरीके से एकत्रित करने में विधियाँ एक प्रकार से उसको मानता है सांख्यिकी को एक विधि है शैक्षिक आंकड़ों को इकट्ठा करने की व्यवस्थित करने की क्रमबद्ध तरीके से रखने की मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखेंगे तो सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जो प्रदत्तों की निष्कर्षात्मक व्याख्या करती है प्रदत्त माने होता है जो आंकड़ा होता है जो हमको मिला हुआ आंकड़ा होता है उसकी निष्कर्ष के सहित व्याख्या करती है वो मनोवैज्ञानिक लोग बताते हैं तो आंकड़ों को एकत्र अगर वर्तमान में देखा जाए सांख्यिकी के अर्थ के बारे में तो आज इसका मतलब होता है आंकड़ों को एकत्र करने के अर्थ में सांख्यिकी का प्रयोग हम करते हैं और सांख्यिकी की अलग अलग परिभाषाएँ अलग अलग विद्वानों ने दी है उसी परिभाषाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे जैसे कि लवबिट महोदय परिभाषा देते हैं सांख्यिकी के बारे में कहते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है और सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या करता है घटनाओं का वर्णन एक प्रकार से करता है उनकी तुलना के लिए आवश्यक आंकिक तथ्यों का संग्रह करता है वर्गीकरण और सारणीन से संबंध रखता है तो सांख्यिकी ये होती है एक ऐसा विज्ञान होता है सांख्यिकी ठीक है इसके अलावा सेलिंग मैन कहते हैं कि सांख्यिकी किसी जांच क्षेत्र पर पढ़ने प्रकाश डालने वाले सांख्यिकी क्या होती है किसी जांच क्षेत्र पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से समंकों के संकलन वर्गीकरण प्रस्तुतिकरण एवं तुलना व व्याख्या करने की विधियों से संबंधित एक विज्ञान होता है और इस विज्ञान के अंतर्गत व्याख्या की जाती है एक प्रकार से आंकड़ों की तुलना की जाती है प्रस्तुतिकरण किया जाता है वर्गीकरण किया जाता है संकलन किया जाता है समंकों को तो एक प्रकार से ये होते हैं आपकी सांख्यिकी ठीक है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास अगला प्रश्न पाँचवा नंबर परीक्षण किसे कहते हैं परीक्षण क्या होता है एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हैं तो मानव व्यवहार का मापन परीक्षणों के द्वारा किया जाता है परीक्षण जो होता है वह यंत्र होता है या वह तराजू आप बोल सकते हो परीक्षण को जिसके माध्यम से क्या होता है मानव व्यवहार की जो भिन्नताएं हैं विभिन्नताएं हैं उनका सही सही मापन हम लोग कर सकते हैं किससे परीक्षण के द्वारा परीक्षण की परिभाषा को देते हुए एल ई टाइलर महोदय कहते हैं कि परीक्षण वह मानकीकृत परिस्थिति होती है जिससे व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श या नमूना निर्धारित होता है ठीक है तो परीक्षण से क्या होता है एक मानकीकृत परिस्थिति सबसे पहली बात और इस मानकीकृत परिस्थिति से क्या होता है व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श जो है एक प्रकार से प्रदर्शित होता है हमको दिखाई पड़ता है प्रतिदर्श माने एक प्रकार से नमूना ठीक है एक सांचा क्लियर तो एक प्रकार से प्रतिदर्श माने एक सैंपल ओके ध्यान रखिएगा तो परीक्षण ये होता है आपकी परीक्षा से आपके व्यक्तित्व के बारे में आपके बारे में आपके भविष्य के बारे में और आपके आंतरिक शक्ति के बारे में व्यक्ति जान जाता है साक्षात्कार के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से ठीक है तो ये होता है परीक्षण और प्रोफेसर एफ एस फ्रीमैन महोदय कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह मानकीकृत यंत्र है जो समस्त व्यक्तित्व के एक या अधिक पहलुओं का मापन शाब्दिक या अशाब्दिक क्रियाओं या अन्य किसी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से करता है ऐसा बताते हैं एफ एस फ्रीमैन महोदय प्रोफेसर तो कोई मिलाकर के परीक्षण के बारे में अगर मैं, मैं बताऊं आपको तो परीक्षण वह माध्यम होता है जिसमें मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन व्यक्तिगत तरीके से भी होता है व्यक्तिगत तौर पर भी होता है सामूहिक तौर पर भी होता है और तुलनात्मक रूप से शुद्धता और वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाता है इन सभी का अध्ययन तो परीक्षण वो होता है एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है छठा नंबर प्रश्न देखिएगा मानक विचलन क्या होता है मानक विचलन किसे कहते हैं तो दिए गए प्राप्तांकों के मध्यमान से प्राप्तांकों के विचलनों के वर्गों में मध्यमान का वर्गमूल ही क्या कहलाता है मानक विचलन कहलाता है और ख़ास करके अगर बात की जाए मध्यमान के सूत्र की मतलब मानक विचलन के तो मध्यमान से प्राप्तांकों का विचलन जो होता है जैसे x माइनस एम बराबर एक्स ठीक है एक्स यहाँ पर क्या है एक्स माने होता है स्कोर यम माने होता है मीन ठीक है जब हम स्कोर में से मीन को लेस कर देते हैं घटा देते हैं तो हमको स्माल एक्स प्राप्त होता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो विचलन का हम और करते ये होगा आपका विचलन तो विचलन का जब हम और करेंगे एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकलेगा आपका एक्स स्क्वायर आप निकालोगे तो एक प्रकार से अच्छा स्क्वायर क्या है यहाँ पर ये विचलन का वर्ग है और विचलन में वर्ग का माध्यम क्या होता है ये बराबर होता है आपका ठीक है क्या होता है देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर बटेयन ठीक है सिग्मा माने जोड़ एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका विचलन निकला तो वो और इसके बाद में बटेयन ठीक है ये न, माने नंबर कितना है कितनी संख्याएँ हैं तो अगर सूत्र की बात की मानक विचलन की तो मानक विचलन का जो सूत्र होता है मध्यमान का वर्गमूल करके हमको पता चलता है तो मानक विचलन का सूत्र होता है अंडर रूड सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे बटेयन ठीक है तो ये मानक विचलन का सूत्र होता है ये बात ध्यान रखिएगा ओके मानक विचलन को हम एस डी या ग्रीक अक्षर सिग्मा से हम डिनोट करते हैं प्रदर्शित करते हैं बात ध्यान रखिएगा ठीक है से ग्रीक अक्षर सिग्मा या फिर एस डी बोलते हैं शार्ट फॉर्म में इसको यस डी ठीक है या फिर हम सिग्मा मानक विचर को सिग्मा ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी तो मानव विचलन से संपूर्ण समूह की विचलनशीलता का ज्ञान होता है और यह विचलनशीलता का सबसे अस्थाई और शुद्ध सूचक होता है मानक विचलन और इसी कारण से शिक्षा और मनोविज्ञान के अधिकतर अध्ययनों में इसका प्रयोग किया जाता है मानक विचलन का किसी समूह की समजातीयता अथवा विसम जातीयता को ज्ञात करने का एक श्रेष्ठ माप का तरीका होता है मानक विचलन के द्वारा मापन किया जाना ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा मानक विचलन की अगर बात करें इसका उपयोग भी कई क्षेत्रों में आप देखते हैं जैसे कि विचलनशीलता के सर्वाधिक विश्वसनीय मान प्राप्त करने के लिए मानक विचलन का ही प्रयोग होता है मध्यमान की विश्वसनीयता देखने के लिए मानक विचलन का ही प्रयोग होता है आवृत्ति विवरणों की तुलना करने के लिए भी प्रयोग होता है इसका इसके अलावा सहसंबंध गुणांक और मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है इसको मध्यमान मतलब मानक विचलन को इसके अलावा मूल प्राप्त अंकों को प्रमाणिक प्राप्त अंकों में बदलने के लिए सामान्य संभाव्यता वक्र के अध्ययन में विचरण गुणांक तथा प्रमाणिक त्रुटि के अध्यापन के लिए भी मानक विचरण का उपयोग करते हैं और खास करके उस समय मानक विचलन का उपयोग किया जाता है जब छोर वाले अंकों को अधिक महत्व प्रदान करना होता है तो ये मानक विचलन के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न सातवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्यमान की गणना कीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बताए तो मध्यमान की गणना यहाँ पर आपको करनी है मध्यमान मध्यमान माने होता है आपका क्या मध्यमान माने होता है माध्य ठीक है ठीक है ये बात ध्यान रखिए मध्यमान माने क्या होता है माध्य और माध्य का सूत्र क्या होता है मध्यमान का सूत्र क्या होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या यानी कि अगर बोले साठ फॉर्म में मीन का मतलब होता है एम बराबर सिग्मा एक्स बटेयन ठीक है इसी का तो हम जब इसका वर्ग कर देते हैं मध्यमान का जब वर्ग करते हैं तो हमको मानक विचलन मिलता है ठीक है इसका वर्ग कर देते हैं इधर का तो इधर से एक प्रकार से ये हो जाता है चूंकि आपको पता होगा जब x में से हम m को घटा देते हैं तो हमको इस्मॉल x प्राप्त होता है तो इसी स्मॉल x को हम एम के बराबर लिख सकते हैं तो इसी एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम कर देते हैं मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर जब हम स्क्वायर करते हैं तो इधर एक प्रकार से क्या हो जाता है ये अंडर रूल लग जाए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूल लग जाएगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाता है यहीं पर मानक विचलन में क्या हो जाता है यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाता है और बटेजन हो जाता है ठीक है अंडर रूल में क्लियर ये बात ध्यान रखिएगा तो निम्न आंकड़ों की सहायता से मध्यमान की क्या करनी है आपको भाई मध्यमान की गणना करनी है तो आइए चर्चा करते हैं मध्यमान के बारे में ठीक है जानने का प्रयास करते हैं आपको आंकड़ा दिया गया तीन पाँच सात दो आठ छः दस और ग्यारह और बारह और सोलह तो इसमें मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र लिख दूँ मैं यहाँ पर एम बराबर क्या होता है एम बराबर होता है सिग्मा एक्स एन सिग्मा एक्स यहाँ पर कैपिटल एक्स कर लीजिएगा क्योंकि कैपिटल एक्स एक्स जो होता है इसका मतलब होता है जितनी संख्याएँ दी गई हैं जैसे देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं तो ये टोटल नंबर जो होगा यहाँ पर लिखा जाएगा एक तो दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस Earth... दस संख्या है यानी बटे में कितना हो जाएगा दस हो जाएगा सबसे पहली बात यन बराबर यही होता है यानी कितनी संख्या दी गई है वो यन है सिग्मा माने होता है जोड़ यानी योग ठीक है एक्स माने जितनी संख्या दी गई उन्हीं को सब में आपस में जोड़ दो तो तीन पाँच और तीन कितना हो जाएगा आठ आठ सात पंद्रह पंद्रह दो सत्रह सत्रह और आठ कितना हो जाएगा सत्रह और आठ हो जाएगा आपका सत्रह और तीन आपका हो जाएगा बीस और पाँच पच्चीस छः आपका हो जाएगा पच्चीस छः इकत्तीस दस इकतालीस इकतालीस और ग्यारह हो जाएगा बावन ठीक है बावन और दो चौवन चौवन और दस कितना हो जाएगा आपका चौसठ चौसठ और छः कितना हो जाएगा आप मतलब चौंसठ और सोलह कितना हो जाएगा अस्सी चौंसठ सोलह कितना होगा भाई अस्सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना मतलब बिल्कुल करेक्ट है ना चौंसठ और सोलह कितना चौंसठ और छः सत्तर और दस अस्सी बिल्कुल अस्सी हो जाएगा तो ऊपर का हो जाएगा आपका अस्सी चूँकि इन सभी का जोड़ क्या है अस्सी है सिग्मा एक्स का मतलब यही है कि भाई इन सभी को जोड़ लें तो वही हो जाएगा सिग्मा एक्स आपका तो हमने जोड़ लिया ऊपर अस्सी हुआ और नीचे आपका यम था यानी कि नंबर पूरा जितना संख्या कितनी है तो दस संख्या है और संख्याओं का योग तो कितना है दस संख्या है तो कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या ये सूत्र होता है एक प्रकार से किसका मध्यमान का या जिसको आप माध्य बोलते हैं ठीक है या मीन जिसको आप बोलते हैं यम ठीक है तो ये एक प्रकार से ज़ीरो से जीरो काट दो यानी कितना उत्तर आएगा आपका आठ यानी आठ ये क्या है आपका जो निकला यही आठ आपका मध्यमान है तो आप लिखेंगे अतः मध्यमान बराबर आठ तो इसी प्रकार से आपको इसको हल कर देना था ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम अगला प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ठीक है अगला प्रश्न आठवां नंबर केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के, के दृष्टि से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की अगर बात की जाए तो केंद्रीय या केंद्रवर्ती माप से अभिप्राय उस माप से होता है जो प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करता है अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो ठीक है जेपी गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि औसत वह अंक है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मान का धोतक होता है जबकि वर्मा एवं श्रीवास्तव कहते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ उस माप से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है चल राशियों के इस प्रतिनिधित्वकारी माप मूल्य मूल्य या मात्रा को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है या कहा जाएगा जिन सांख्यिकी विधियों के द्वारा इस केंद्रीय मूल्य की गणना की जाए उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है खास करके बहुलक मध्यमान माध्यिका ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत ही आती है वैसे बहुलक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें बहुलक का मतलब होता है अभी मैं समझाऊंगा बहुलक यहाँ पर लिखा हुआ है हमने इसके बारे में चर्चा करेंगे अगला प्रश्न नौवा नंबर प्रश्न देखिएगा मापक आ, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है तो मापन और मूल्यांकन में अंतर यह है कि मापन का अर्थ होता है यथार्थ परिमाणात्मक मूल्य से ठीक है परिमाणात्मक मूल्य यानी कितना परिमाण है मात्रा कितनी है तो मापन का अर्थ होता है मात्रात्मक मूल्य से जैसे कि इंचों में किसी चीज़ की लंबाई ज्ञात करना ठीक है या के में किसी चीज़ की वजन ज्ञात करना जबकि मूल्यांकन का अर्थ अधिक व्यापक होता है इससे मूल मूल्यांकन में किसी घटना का मूल्य ज्ञात किया जाता है कि भाई उसका मूल्य क्या है ठीक है दूसरा अंतर ये लिख सकते हो आप कि मापन किसी वस्तु का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है जबकि मूल्यांकन गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है तो मूल्यांकन क्या है क्वालिटी बताता है और मापन क्वांटिटी बताता है ठीक है बात ध्यान रखिएगा तो इस प्रकार से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं तो मूल्यांकन गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करता है ठीक है जबकि मापन जो होता है संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है तीसरा अंतर आप ये लिख सकते हो कि मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक है मापन में किसी एक गुण की परीक्षा की जाती है जबकि मूल्यांकन में सर्वांगीण अध्ययन किया जाता है किसी वस्तु का या व्यक्ति का या किसी डाटा का या आंकड़ों का चौथा अंतर यह है कि मापन में मूल्यांकन की अपेक्षा कम समय भी लगता है ठीक है मूल्यांकन में अधिक समय लगता है और मापन में थोड़ा कम समय लगता है छठा अंतर ये आप लिख सकते हो मापन वस्तुनिष्ठ होता है और मूल्यांकन जो होता है मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है तो मापन वस्तुनिष्ठ होता है वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव होता, होता है जबकि मूल्यांकन जो होता है आत्मनिष्ठ होता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा उसमें आप एकदम से क्लियर नहीं बता सकते कि ये चीज़ ये है ठीक है अगला प्रश्न आपका सतवा मतलब सतवां अंतर आप लिख सकते हो क्या कि मापन का संबंध किसी वस्तु के मात्रात्मक मूल्य से है जबकि मूल्यांकन में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पर ध्यान आप दे सकते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा इसके अलावा अगला अंतर आप देख सकते हो देखिए पाँचवा यहाँ पर भूल गया था मैं तो पाँचवा अंतर आप लिख सकते हो कि मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में अधिक धन व्यय भी होता है और एक प्रकार से कम समय भी एक प्रकार से लगता है मापन में तो मापन की अपेक्षा मूल्यांकन में ज़्यादा धन खर्च होता है मूल्यांकन ज़्यादा खर्चीला होता है मापन कम खर्चीला होता है मूल्यांकन की अपेक्षा तो ये अंतर हो गया है इन दोनों में अगला प्रश्न दसवा नंबर प्रश्न आप देखिएगा बहुलांक को परिभाषित कीजिए बहुलांक क्या है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे बहुलांक के बारे में बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुलांक क्या है बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुलांक बढ़िया प्रश्न है तो बहुलांक की अगर बात की जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति यानी जिसको आप सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं उसकी विभिन्न मापन विधियों में बहुलांक जो है तीसरी विधि है ठीक है माध्य माध्यिका और बहुलांक तो इनमें से तीसरी विधि है आपकी बहुलांक और किसी भी आवृत्ति में बहुलांक जो होता है वह मान है जो उस वितरण में बार बार अर्थात सबसे अधिक बार आया हो और इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति वाले अंक को बहुलांक कहते हैं ठीक है गिलफोर्ड महोदय कहते हैं परिभाषा को देते हुए कि किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक बार आती है उसको हम बहुलांक कहते हैं जबकि कैनी और चीपिंग महोदय कहते हैं कि किसी वितरण में चर्च का वह मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो वो मोड़ या बहुलांक कहते हैं अंग्रेजी में बहुलांक को हम मोड कहते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा कि इस क्या कहते हैं मोड़ कहते हैं और एक ऊपर चिन्ह लगती है जैसे मान लेते हैं हमने लिखा चार छः दशमलव चार 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 ये लगातार चार आपका आ रहा है ठीक है फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट फोर 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 इस प्रकार से बहुत है लगभग अन इनफाइनाइट तो इसको हम कम शब्दों में कैसे लिखेंगे फोर मतलब कि छियालीस दशमलव चार चार आप दो बार लिख करके इसके ऊपर मॉड लगा देंगे यानी बार बार ये आया हुआ है तो ये मॉड का चिन्ह होता है ऊपर इस प्रकार से एक रेखा खींच देना सिरो रेखा टाइप की ठीक है तो ये आपका होता है मॉड यानी कि बहुलांक अब मैं थोड़ा सा इसको एक एक मैं डाटा आपको दे रहा हूँ उसमें मैं बहुलांक आपको बताने का प्रयास करूँगा जैसे यहाँ पर लिखा है एक तीन चार दो पाँच दो छ सात दो ओके तो ऐसे आपको कोई डाटा दिया जाएगा कोई श्रृंखला दी गई अब इसमें देखिए सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया है जाहिर सी बात है दो आपका चार बार आया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर दो कितनी बार आया भाई चार बार आया है यानी एक प्रकार से और देखिए और कोई शब्द एक हो सकता है कोई शब्द तीन बार आया हो कोई दो बार आया हो तो बहुलांक उनमें से क्या होगा उनमें से बहुलांक हमेशा और हमेशा जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही होगा तो दो जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है तो इसीलिए दो जो है गई श्रेणी का बहुलांक है या बहुलंक है ठीक है या बहुलक है ओके बहुलक या बहुलांक बात देखिए तो ये गया आपका बहुलक ठीक समझ में आ गई बातें तो इस प्रकार से बहुलक के बारे में मैंने आपको बता दी बहुलक माध्य और माध्यिका आपके बारे में समझ आ गया अभी माध्यिका से रिलेटेड में हमने आपको प्रश्न नहीं सॉल्व करवाया है अभी माध्यिका के एक प्रश्न हमने रखा उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आगे देखते हैं सभी प्रश्न को करने अनिवार्य है खंड बा से दो सौ शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से ऐसे प्रश्न ठीक है और प्रत्येक प्रश्न में आपको अथवा करके दिया जाएगा इंपॉर्टेंट है तो प्रत्येक प्रश्न में आपको अथवा करके मिलेगा ठीक है और सबसे बड़ी आ, अच्छी बात ये होती है कि भाई एक ऑप्शन आपको मिलता है तो आइए चर्चा करते हैं भाई कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं हाथी लग मतलब लग उत्ते टाइप में आइए इन प्रश्नों को भी जानने का प्रयास करते हैं और लिखना भी कैसे उसको भी हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे ठीक है चले जानने का प्रयास करते हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवसर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें ओके चले हम समझने का प्रयास करते हैं प्रश्न आपका आ चुका है पहला प्रश्न आप देखिएगा पहला प्रश्न चतुर्थांश विचलन के गुण और सीमाओं का वर्णन कीजिए अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो इसके स्थान पर आप आर करके दिया दूसरा प्रश्न उसको नीचे कर पाएंगे प्रश्न होता है अथवा करके अगर प्रश्न दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि आप चाहे अथवा के ऊपर वाला करो चाहे अथवा के नीचे वाला लो दोनों का मतलब एक ही होगा और दोनों का लिए अंक समान होते हैं ठीक है ओके ये बात ध्यान रखिएगा तो दूसरा प्रश्न क्या है मानक मतलब मध्यमान विचलन एवं प्रमाणिक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए दोनों बढ़िया हाँ प्रश्न है तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है ये अति लघुत्तरीय का मतलब उत्तरीय का चतुर्थांश विचलन के गुण और सीमाओं का वर्णन कीजिए चतुर्थांश विचलन की बात की जाए तो चतुर्थांश विचलन प्रथम और तृतीय चतुर्थांशों के अंतर का आधा होता है और गैरट महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि चतुर्थांश विचलन किसी आवृत्ति वितरण में पचहत्तरवें प्रतिशत मतलब प्रतिशतांक और पच्चीसवें प्रतिशतांक के बीच की दूरी का आधा होता है और इसका संकेत चिन्ह जो होता है वो क्यू होता है क्यू से प्रदर्शित करते हैं और अगर बोले दूसरा तो क्यू डी भी इसको बोलते हैं ठीक है बात ध्यान दें चतुर्थांश विचलन को क्यू डी भी बोलते हैं ठीक है तो चतुर्थांश विचलन ये होता है इसके गुण की अगर बात की जाए चतुर्थांश विचलन के तो पहला गुण ये है कि अपनी रचना एवं गणना में यह मध्यमांक मतलब मध्यांग के समान होता है यानी कि माध्यिका के समान होता है चतुर्थांश विचलन दूसरा गुण इसका ये होता है कि प्रसार की भांति इसकी भी गणना एवं व्याख्या सरलता से हम कर सकते हैं चतुर्थांश विचलन की ये तीसरा इसका गुण ये होता है चतुर्थांश विचलन का कि चूंकि यह वितरण के मध्य के प्राप्त अंकों पर अधिक प्रकाश डालता है और अतः अधिक प्रतिनिधित्वकारी भी होता है ये भी एक गुण है चौथा गुण ये है इसका कि यदि वितरण में विषमता हो तो विचलनशीलता ज्ञात करने के लिए यह उपयुक्त माप है कौन चतुर्थांश विचलन ओके और पांचवा गुण इसका ये है कि चतुर्थ मतलब इसका प्रयोग वर्णनात्मक सांख्यिकी में अधिक किया जाता है ओके बात ध्यान रखिएगा चतुर्थांश विचलन के ये गुण हो गए सीमाओं की अगर बात की जाए तो चूँकि प्रथम क्यू वन अगर बात की सीमाएं की इसकी तो जो है प्रथम जो एक प्रकार चतुर्थांश विचलन होता है क्यू वन मान लेते हैं उसको चतुर्थांश के नीचे हम तृतीय चतुर्थांश यानी क्यू थ्री की अगर बात की है तो इसके ऊपर 25 पच्चीस प्रतिशत प्राप्त अंक पाए जाते हैं और यह केवल बीज के 50 प्रतिशत प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व तो करता है चतुर्थांश विचलन ठीक है और मानक विचलन की तुलना में चतुर्थांश विचलन कम विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि इसमें मानक त्रुटि की संभावना अधिक पाई जाती है चतुर्थांश विचलन में तो चतुर्थांश विचलन कम विश्वसनीय है एक प्रकार से अपेक्षाकृत मानक विचलन के मानक विचलन ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा चतुर्थांश विचलन का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में करना उपयोगी होता है सबसे पहली बात तो भाई जब प्राप्तांक समान रूप से वितरित होता है तो चतुर्थांश विचलन का प्रयोग ही करना चाहिए इसके अलावा दूसरी बात जब प्राप्त अंकों का फैलाव इतना अधिक हो कि शुद्ध मानक विचरण ज्ञात करना कठिन हो तब आप चतुर्थांश विचरण का प्रयोग करके एक प्रकार से ज्ञात करते हैं मान को और तीसरी बात ये कि भाई जब बीज के 50 प्रतिशत अंकों की वास्तविक सीमाएं ज्ञात करनी हो तब आप चतुर्थांश विचरण का प्रयोग करें और इसके अगर ऐसी स्थितियाँ नहीं है तो आप मानक विचरण का प्रयोग कर सकते हो ओके आगे बढ़ते हैं तो ये होगा पहले प्रश्न का उत्तर अगला प्रश्न है मध्यमान विचलन और प्रमाणिक विचलन में क्या अंतर है इसको स्पष्ट कर दीजिए बढ़िया प्रश्न है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से प्रश्न बताएं भाई प्रश्न क्या है आपका प्रश्न है मध्यमान विचलन और प्रमाणिक विचलन में क्या अंतर है फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से और आपकी परीक्षा में आ भी सकता है यह प्रश्न ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो मध्यमान विचलन और प्रमाणिक विचलन की बात की जाए तो मध्यमान जो विचलन होता है और प्रमाणिक विचलन दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों ही विचलनशीलता की गति की मापक हैं और लेकिन जहाँ प्रमाणिक विचलनशीलता की गति शुद्ध मापन है वही मध्यमान विचलन की बात की जाए तो इसका कम शुद्ध मापक होता है ठीक है ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और मध्यमान विचलन की अगर बात की जाए तो मध्यमान विचलन जो होता है वो कम शुद्ध है जबकि जो एक प्रकार से प्रमाणिक विचलन है वो कौन सा होता है वो प्रमाणिक विचलन जो होता है अधिक प्रमाणिक माना जाता है ओके आ, खास करके जब बात की जाए और इसका मुख्य कारण यह है कि मध्यमान विचलन ज्ञात करने में प्राप्त अंकों के विचलनों को जोड़ते समय धन एवं ऋण चिन्हों को उपेक्षित कर दिया जाता है जो कि गणितीय दृष्टिकोण से गलत माना जाता है जबकि प्रमाणिक विचलन ज्ञात करते समय प्राप्त अंकों के विचलनों का वर्ग कर दिया जाता है जिससे ऋण और धन का कोई मसला ही नहीं रहता है ऋण जो होता है धन में परिवर्तित जब वर्ग कोई चीज़ होता है जैसे कि मान लेते हैं माइनस का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा चार हो जाएगा दो दूनी चार और ये माइनस माइनस का गुड़ा क्या होता है माइनस गुड़े माइनस बराबर होता है प्लस तो माइनस का लफड़ा ही खत्म हो गया तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रमाणिक हो जाता है कौन प्रमाणिक विचलन ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा आप तो ये पहला अंतर दूसरा अंतर ये लिख सकते हो भाई आप कि प्रमाणिक विचलन केवल मध्यमान से प्राप्त अंकों का शुद्ध विचलन ज्ञात करने की काम आप होता है प्रमाणिक विचलन जबकि मध्यमान विचलन जो होता है मध्यमान मध्यांक और बहुलक बहुलांक यानी बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में से किसी एक के संदर्भ में प्राप्त अंकों का विचरण ज्ञात करने का माप होता है तो ये एक प्रकार से दोनों में अंतर है। तीसरा अंतर यह है कि मध्यमान विचरण का प्रयोग सामान्य वितरण में किया जाता है जबकि प्रमाणिक विचरण का प्रयोग शुद्ध सामान्य वितरण में किया जाता है ओके प्रमाणिक विचरण के आधार पर सामान्य वितरण में प्रमुख भविष्यवाणियाँ भी की जाती हैं ओके चौथा अंतर यह है कि मूल प्राप्त अंकों को प्रमाणिक प्राप्त अंकों में बदलते समय रेखीय सहसंबंध गुणांक की गणना करते समय सांख्यिकीय अंतरों की सार्थकता का अध्ययन करते समय सामान्य संभाव संभावना वक्र का अध्ययन करते समय समूहों की सजातीयता एवं विषम जातीयता का अध्ययन करते समय एवं अन्य अध्ययनों में इसकी विविध उपयोगिता होती है जबकि मध्याहन मतलब मध्यमान विचलन की कोई आवश्यकता इन सभी में नहीं पड़ती है तो मानक विचलन की आवश्यकता इसमें पड़ती है मतलब कि प्रमाणिक विचलन की, की तो ये हो गया आपका एक प्रकार से पहला प्रश्न अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा प्रश्न सांख्यिकी के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है सांख्यिकी के अध्ययन के महत्व के, के, के बारे में आपको बताना है बढ़िया प्रश्न है तो सांख्यिकी के महत्व की अगर बात की जाए तो लोबिट महोदय सांख्यिकी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं और इसके महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या करता है उसका वर्णन और उसकी तुलना के लिए आवश्यक आंकिक तथ्यों के संग्रह वर्गीकरण और समीकरण में संबंध रखता है वो होता है आपका सांख्यिकी ठीक है और खास करके इसकी सांख्यिकी के ज्ञान की उपयोगिता एक प्रकार से यह महत्व उसका है तो कैसा महत्व तो है पहला महत्व तो ये है कि सांख्यिकी के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान का परिमार्जन होता है दूसरी बात ये दूसरा महत्व उसका ये है सांख्यिकी का कि सांख्यिकी के द्वारा आंकड़ों के संकलन में सहायता मिलती है और सांख्यिकी के द्वारा ही मूल आंकड़ों को समझने में उनका विश्लेषण करने में और संश्लेषण करने में सहायता मिलती है और आंकड़ों को संकलन करने की प्रक्रिया द्वारा यह संभव होता है ठीक है तो ये तीसरी बात ये कि भाई शुद्ध विवेचना तथा निष्कर्ष ज्ञात करने की योग्यता तथा क्षमता में वृद्धि होती है और सांख्यिकी में विश्लेषण की प्रक्रिया में अनेक उपा उपभागों या उपांगों पर विचार किया जाता है और मध्यमान तथा मानक विचलन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं तो ये सांख्यिकी का एक प्रकार से महत्व होता है चौथा महत्व ये होता है सांख्यिकी का कि अनुसंधान में सहायक है ये और अनुसंधान योजना के निर्माण में प्रतिदर्श चयन में आंकड़ों के विवेचन के द्वारा अनुसंधान में सहायता मिलती है सांख्यिकी के द्वारा टीके और पांचवा इसका महत्व यह है कि सांख्यिकीय विश्लेषण से समस्या की वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म व्याख्या संभव हो पाती है तो ये एक प्रकार से सांख्यिकी के अध्ययन का महत्व तो है जो कि मैंने आपको बताया अगला प्रश्न आपको दिया गया आर करके दूसरा आप चाहो तो इसके स्थान पर यह प्रश्न भी कर सकते थे प्रश्न है मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकी कौन कौन सी उसके बारे में बताएं तो मूल्यांकन की कई सारी तकनीकी है पहली तकनीकी है अवलोकन तकनीकी अवलोकन तकनीकी क्या होती भाई अवलोकन तकनीकी की बात की जाए तो अवलोकन माने क्या होता तो है देखना अवलोकन तकनीक से अभिप्राय किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके या उसको अवलोकित करके उसके व्यवहार का मापन करने की प्रवृद्धि से होता है अवलोकन को व्यवस्थित और औपचारिक बनाने के लिए जो अवलोकनकर्ता होता है वो चेकलिस्ट अवलोकन चार्ट मपनी परीक्षण इसके अलावा एन जो है एनक डोटल अभिलेख आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकता है और स्पष्ट है कि अवलोकन एक तकनीक के रूप में अधिक व्यापक है जबकि एक उपकरण के रूप में इसका सीमित दायरा है ठीक है यानी अवलोकन तकनीक जो है वो देख करके एक प्रकार से मूल्यांकन करना किसी चीज़ को दूसरी बात किसी व्यक्ति को तो दूसरी बात स्व आख्या तकनीकी मूल्यांकन की दूसरी तकनीकी कौन सी स्व आख्या तकनीकी स्व आख्या तकनीकी में मापे जा रहे व्यक्ति से ही उसके व्यवहार के संबंध में जानकारी पूछी जाती है दूसरे शब्दों में मैं अभी कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने बारे में स्वयं ही सूचना देता है जिसके आधार पर उसके गुणों को अभिव्यक्त किया जाता है स्पष्ट है कि इस तकनीकी में हम इस बात का मापन नहीं नहीं होता है कि व्यक्ति के क्या गुण हैं बल्कि इस बात का मापन होता है कि व्यक्ति की व्यक्ति कि किन गुणों को स्वयं में होना बताता है तो एक प्रकार से ये स्व आख्या तकनीकी होती है यह तकनीकी सामाजिक वांछनीयता से प्रभावित परिणाम हो देती है और व्यक्ति सामाजिक रूप से वांछनीय गुणों को ही स्वयं में बताता है और अवांछनीय गुणों को छिपा लेता है प्रश्नावली साक्षात्कार अभिवृत्ति मापनी ये इस तकनीकी के लिए प्रयोग की जाने वाले उपकरण है जैसे प्रश्नावली या साक्षात्कार इंटरव्यू वगैरह जो है ये स्वाख्या तकनीकी ही होती है ठीक है तीसरी तकनीकी होती है मूल्यांकन की परीक्षण तकनीकी परीक्षण तकनीकी में कोई परीक्षा ले ली जाती है सा जैसे कि संप्राति मतलब कि संप्राप्ति परीक्षण हो गया ठीक है बुद्धि परीक्षण हो गया निदात्मक परीक्षण हो गया अभिरुचि परीक्षण हो गया मूल्य परीक्षण हो गया ये सब कई सारे तकनीकी हैं ओके तो परीक्षण तकनीकी चौथी तकनीकी होती है मूल्यांकन की समाज मित्तीय तकनीकी समाज मित्तीय तकनीकी सामाजिक संबंधों समायोजन व अंतर के मापन में काम आती है और इस तकनीकी में व्यक्ति जो होता है वो अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार से संबंध रखता है और अन्य व्यक्ति उससे कैसा संबंध रखते हैं और जैसे प्रश्नों पर उनके द्वारा दिए गए प्रत्युत्तरों का विश्लेषण किया जाता है सामाजिक गतिशीलता के मापन के यह सर्वोत्तम तकनीकी मानी जाती है समाज मित्तीय तकनीकी पांचवी जो तकनीक है वो है प्रक्षेपीय तकनीकी ठीक है प्रक्षेपीय तकनीकी में व्यक्ति के सम्मुख किसी जो है अनसंरक्षित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है तथा तो व्यक्ति पर उस मतलब व्यक्ति उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है कोई कोटेशन दे दिया गया कोई भी चीज़ आपको मिल गई और उस पर आपने अपनी तकनीक दे दिया मतलब तो अपने विचार दे दिए तो इस तकनीकी की मान्यता यहाँ कि व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद विचार दृष्टिकोण आवश्यकता आदि को अपनी प्रतिक्रिया में आरोपित कर देता है जिसका विश्लेषण करके व्यक्ति के क्या होता है व्यक्ति के गुणों को जाना जा सकता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा और रोसा का लक्ष्य परीक्षण और इसके अलावा टी ए टी शब्द साहचर्य परीक्षण पूर्ति परीक्षण इस तकनीकी के प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं ठीक है तो एक प्रकार से पांच तकनीकी है सांख्यिकी की कौन मतलब सॉरी मूल्यांकन की कौन कौन सी भाई कौन कौन सी तकनीकी है प्रक्षेपीय तकनीकी समाजमितीय तकनीकी परीक्षण तकनीकी स्व आख्या तकनीकी और अवलोकन तकनीकी अगला प्रश्न आप देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा एक बार फटाफट फ़ड़ से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ बहुत ज़्यादा एक प्रकार से थोड़ा गला सूख रहा तो मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए तब तक चलिए भाई चले। तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न क्या है देखेंगे सभी लोग चले प्रश्न आपका है आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को स्पष्ट कीजिए बढ़िया प्रश्न है और अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न दिया गया नीचे कि निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार के उपाय बताइए तो दोनों में से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं प्रश्न है, है आत्मनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को स्पष्ट कीजिए बढ़िया प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है ठीक है तो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को स्पष्ट कीजिए तो विभिन्न विद्वानों ने परीक्षणों का वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर किया है और परीक्षण को वर्गीकृत करने वाले विद्वानों में खास करके क्रोनबेक का नाम आता है इसके अलावा एनास्टेसी का नाम आता है और इन लोगों ने परीक्षणों का वर्गीकरण प्रशासन के आधार पर किया मानकीकरण के आधार पर किया फलांकन के आधार पर किया रूप के आधार पर किया और माध्यम के आधार पर किया सील गुणों के आधार पर किया ठीक है तो फलांकन के आधार पर परीक्षण दो भागों में बांट सकते हैं एक तो आपका आत्मनिष्ठ परीक्षण और एक होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण ठीक है आत्मनिष्ठ परीक्षण की बात की जाए तो जिन परीक्षणों का फलांकन होता है खास करके जिन परीक्षणों का फलांकन मतलब कि फल का अंकन फल का मतलब होता है जो परिणाम निकलता है उसका जो अंकन क्या आता है उसको जो आंका जाता है परिणाम को उसी को फलांकन बोलते हैं तो जिन परीक्षणों का यानी कि रिजल्ट जिसको बोलते हैं उसी को फलांकन कहते हैं तो जिन परीक्षणों का फलांकन गुणात्मक आधार पर अर्थात परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होता है वे आत्मनिष्ठ परीक्षण कहलाते हैं ऐसा प्राय निबंधात्मक परीक्षा में साक्षात्कार में परिस्थितिक परीक्षण में ये होता है जैसे कि लिखित परीक्षा में खास करके आत्मनिष्ठ आपका फलांकन होता है जैसे कि आप काँपी लिख रहे हो तो आपको आप तो लिख रहे हो कि भाई पंद्रह नंबर का प्रश्न है या दस नंबर का प्रश्न है और हमने तो पूरा का पूरा लिखा तो हमको दस नंबर क्यों नहीं मिला तो इसमें चूँकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि भाई आप आप करेंगे और आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आत्मनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है जो एग्जामिनर होता है उसका एक प्रकार से वो अपने हिसाब से नंबर देता है आत्मनिष्ठ परीक्षण यही होता है कि आप कापी लिख लें निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा हो गई इंटरव्यू में आप बैठे तो जो सामने वाला पूछना चाह रहा है अगर वो आप नहीं बता पा रहे हो तो आप कितना भी जानकार हो आप एक प्रकार से नेगलेक्ट हो उसके सामने ठीक है या फिर आप से एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है लिखित वाली परीक्षा में और आप क्या लिख करके आए हो तो एक प्रकार से इससे भी नंबर आपको कम मिलता है तो कहीं ना कहीं पे ये होता है आत्मनिष्ठ परीक्षण या आत्मनिष्ठ फलांकन ठीक है क्लियर तो आत्मनिष्ठ परीक्षण जो होता है इसमें पारिस्थितिक परीक्षण होते या या साक्षात्कार ने इंटरव्यू या निबंधात्मक परीक्षाएं जैसे ये परीक्षा आप बी में दे रहे हो ठीक है कि दस नंबर का लिखा आपको साथ ही नंबर दिया तो ये एग्जामिनर जो होता है ये आत्मनिष्ठ परीक्षण करता है और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है उसकी अगर बात की जाए तो यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा एक से अंक प्रदान किए जाएँ तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाता है इसमें खास करके आप देखते हैं स्टेंसिल उत्तर कुंजी या मशीन के साथ से जिन परीक्षणों का फलांकन होता है जैसे कि ओ एम आर बेस्ड जो परीक्षाएँ होती हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा इसको आप बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में क्या होता है उसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है कि भाई सौ क्वेश्चन पूछा गया था बस आपको केवल गोला कारदा करना था अगर आपके गोला सारे के सारे सौ तक पढ़ें तो आपको सौ नंबर भी मिल सकते हैं और इसी की किस नंबर ना मिले इसीलिए एक आध क्वेश्चन गलत दिए जाते हैं पेपर में ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो ये प्रकार एक प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण ये होता है ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से ट्राई या ऑब्जेक्टिव एक प्रकार से परीक्षण ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्लियर ये बात ध्यान रखिएगा जैसे एल एन दुबे का हिंदी निष्पत्ति परीक्षण पूर्णता वस्तुनिष्ठ परीक्षण है ओके ये बात ध्यान रखिएगा तो ये होगा दोनों परीक्षण के बारे में कुछ बातें अगला प्रश्न है आपका देखिएगा निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार के उपाय बताइए बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो एक प्रकार से निबंधात्मक प्रश्न है इसमें सुधार के उपाय बताइए फटाफट से बताने का प्रयास करें निबंधात्मक प्रश्न कौन मतलब तो जैसे हम और आप समझ रहे हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन्हीं को निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार के उपाय बताइए तो सबसे पहली सुधार तो ये कर सकते हैं हम लोग कि सरल भाषा में प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना चाहिए एग्जामिनर को भी और एक प्रकार से पेपर में अगर आपका सरल प्रश्न रहेगा तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसका उत्तर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे दूसरी बात प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया जा सके किंतु उत्तर में विवेचन की मात्रा कम हो उत्तर संक्षेप में हो इससे वस्तुनिष्ठता बढ़ेगी तथा पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान की परीक्षा ली जा सकेगी तो एक प्रकार से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो ज़्यादा बेटर होता है कम शब्दों में लिखने के लिए बोला जाए और तीसरी बात ये होती है कि प्रश्न के रचना के पूर्व परीक्षण के उद्देश्य का निर्धारण कर लेना चाहिए जिससे सही का मापन हो सके ठीक है चौथी बात सुधार लानी चाहिए निबंधात्मक प्रश्नों में कि आत्मनिष्ठ तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए वस्तुनिष्ठ पदों को भी स्थान देना चाहिए ताकि योग्यता का सही मूल्यांकन किया जा सके ठीक है यानी कि खास करके जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई निबंधात्मक प्रश्न है तो उनमें खास करके ऑब्जेक्टिव भी कुछ चीज़ों को रखने का प्रयास करें तथ्यात्मक चीज़ें पांचवी चीज़ ये है कि भाई प्रश्नों का कठिनाई स्तर छात्रों के निष्पत्ति के स्तर के अनुकूल होना चाहिए यदि प्रश्न अधिक कठिन है तो असफलता से छात्रों में निराशा बढ़ती है और अधिक सरल होने पर वे छात्रों को मानसिक चुनौती देने में असमर्थ होते हैं तो प्रश्न पत्र सरल औसत और कठिन सभी तरह के प्रश्न होने चाहिए कुछ प्रश्न सरल होने चाहिए कुछ कठिन होने चाहिए और कुछ एक प्रकार से औसत होने चाहिए ठीक है ताकि क्या हो छात्र जो है क्षमता अनुकूल अपने अपने क्षमता हिसाब से सबको नंबर मिल सके सभी पास हो सके ओके और ख़ास करके यही किया भी जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लगभग आप अगर सौ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ रहे हैं तो उनमें से लगभग आपके बीस से पच्चीस परसेंट एकदम हल्के होते हैं और 20 से 25 परसेंट एकदम से हार्ड होते हैं और बाकी प्रश्न जो बचते हैं आपके 50 वो एकदम से औसत होते हैं ठीक है कि अगर विद्यार्थी पढ़ा लिखा तो उसको कर ले जाएगा ठीक है इसके अलावा सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करवाने चाहिए प्रश्न पत्र में विकल्प नहीं होने चाहिए ये बात भी ध्यान रखेंगे ये सब निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार कर सकते हैं इसके अलावा सभी प्रश्नों के पूर्णांक समान होने चाहिए और विभिन्न विषयों में अनुभवी शिक्षकों के द्वारा प्रश्नों की एक प्रारंभिक सूची तैयार कर, करानी चाहिए तथा उस पर विषय विशेषज्ञों की राय लेकर लेकर के प्रश्न रचना चाहिए तो ये सब एक प्रकार से निबंधात्मक प्रश्नों में सुधार ला सकते हैं इन चीज़ों को कर करके इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्नों में अनिश्चितता को दूर करने के लिए निश्चित और नियंत्रित उत्तर वाले प्रश्नों को ही पूछा जाए ठीक है इसी प्रकार से कई सारे और भी सुझाव या उपाय हो सकते हैं निबंधात्मक प्रश्नों के सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मूल्यांकन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे मूल्यांकन के सिद्धांत कौन कौन से हैं तो मूल्यांकन जो है किसी वस्तु या मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करता है ठीक है मूल्यांकन खास करके मापन पर निर्भर करता है मूल्यांकन के कई सिद्धांत हैं जैसे पहला सिद्धांत ये है कि शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट मतलब शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान एक प्रकार से करवाता है मूल्यांकन यानी मूल्यांकन तथा शैक्षिक उद्देश्यों में घनिष्ठ संबंध रहता है और इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके उपयुक्त प्राविधियों या उपकरणों का चयन करना चाहिए शैक्षिक उद्देश्यों या उपयुक्त उपकरणों के अभाव में मूल्यांकन का कार्य कठिन हो जाता है तो इसीलिए शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान एक प्रकार से पहला सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है मूल्यांकन का उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग यानी कि मूल्यांकन से संबंधित उपकरणों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए गलत प्रयोगों से मूल्यांकन का सही सही ज्ञान नहीं हो पाता है तीसरा अंतर ये भाई, है भाई मतलब तीसरा सिद्धांत ये है मूल्यांकन का कि मूल्यांकन साध्य नहीं है बल्कि साधन के रूप में हम इसको एक प्रकार से ए, इसके सिद्धांतों को हम लेते हैं मूल्यांकन को साध के रूप में नहीं समझना चाहिए बल्कि साधन के रूप में समझना चाहिए यानी कि जो है मूल्यांकन को मार्ग नहीं समझना चाहिए मूल्यांकन को एक प्रकार से क्या होना चाहिए मूल्यांकन को साधन के रूप में यानी माध्यम के रूप में ठीक है तो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन साधन है ना कि साध्य मूल्यांकन के साधन से किसी इच्छित या उपयोगी तथ्यों या ग्राह्य निष्कर्षों का पता लगाया जा सकता है ये बात ध्यान रखिएगा चौथा सिद्धांत है वस्तुनिष्ठ एवं परिपक्व निर्णयों की प्र, 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 प्रा, प्राथमिकता वाला सिद्धांत यानी शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ एवं परिपक्व निर्णयों के अभाव के फलस्वरूप मूल्यांकन कार्य में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अतः शिक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर का निर्णय वस्तुनिष्ठ होना चाहिए एक प्रकार से यह भी मूल्यांकन के सिद्धांत हैं पांचवा सिद्धांत है, है मूल्यांकन का सावधानीपूर्वक प्रयोग ठीक है यानी मूल्यांकन में अनेक बार की त्रुटियाँ हो सकती हैं अतः इन त्रुटियों से बचने के लिए इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए मूल्यांकन का ठीक है छठा सिद्धांत ये है कि शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों में सुधार का प्रयास करना चाहिए तो मतलब कि ये भी एक उद्देश्य है इसका और एक प्रकार से सिद्धांत भी है तो शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी स्तरों का मूल्यांकन के माध्यम से सुधार करना चाहिए और मूल्यांकन सकारात्मक होना चाहिए ना कि नकारात्मक होना चाहिए तो ये चीज़ें थोड़ा सा जान रखेंगे मतलब कि जानिएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन साहब का आ चुका है देखिएगा अगला प्रश्न है मापन के प्रकारों को बताइए बढ़िया प्रश्न है पूछ लिया कि मापन के प्रकार बताइए तो मापन के प्रकारों की बात की जाए तो मापन दो भागों में विभक्त किया जा सकता है एक तो होता है आपका मानसिक मापन और एक होता है भौतिक मापन मानसिक मापन की बात की है तो मानसिक मापन के अंतर्गत तमाम प्रकार की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको मापा जाता है जैसे कि बुद्धि को आप मापते हैं रुचि को आप मापते हैं अभियोगिता को मापते हैं एबिलिटी को उपलब्धि को आप इंपोर्टेंस इन सभी का एक प्रकार से मापन करते हैं ठीक है तो ये होता है मानसिक मापन इसकी प्रकृति सापेक्षिक होती है अर्थात इसमें प्राप्त अंकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है उदाहरण के लिए किसी शिक्षक के कार्य का मापन श्रेष्ठ माध्यम या निम्न रूप में किया जाता है किंतु कितना श्रेष्ठ कितना मध्य और कितना निम्न यह नहीं कहा जा सकता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो ये होता है मानसिक मापन मानसिक मापन में कोई वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है और मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव हो पाता है और मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है और प्राय मानकों के आधार पर तुलना की जाती है ओके दूसरी अगर बात की जाए मापन के प्रकारों की तो वो होता है भौतिक मापन भौतिक मापन की बात की तो भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न भौतिक गुणों के बारे में मापा जाता है जैसे कि लंबाई को मापना हुआ दूरी मापना हुआ ऊंचाई मापना हुआ तो ये सब एक प्रकार से भौतिक मापन होते हैं मापन के बाद ध्यान रखिएगा इसकी प्रकृति निरपेक्ष होती है और इसके प्राप्तांक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भौतिक मापन के ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा चूंकि भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जहाँ से कार्य प्रारंभ करते हैं जैसे कि पाँच फीट का अर्थ होता है जीरो से लेकर के पाँच फीट यानी पाँच फीट ठीक है तो जीरो से एक प्रकार से हम एक प्रकार से लंबाई मापते हैं ऊँचाई मापते हैं दूरी मापते हैं ये सारी चीज़ें ठीक है तो मैं आपको भौतिक मापन के बारे में बता रहा था कि भाई जो भौतिक मापन होता है इसकी अगर बात की है तो इसमें जैसे कि आ, कोई भौतिक चीज़ होती है जैसे कि कोई आपको लंबाई मापनी हुई या किसी चीज़ की दूरी मापनी हुई या किसी चीज़ की ऊंचाई मापनी हुई तो ये सब भौतिक मापन होता है और मानसिक मापन में बुद्धि मापना हुआ रुचि मापना हुआ अभियोग्यता मापना हुआ उपलब्धि मापना हुआ ठीक है बुद्धिलब्धि ज्ञात करना हुआ आई क्यू जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन तो ये सब मानसिक होते हैं ठीक है तो ये दो आपके होते हैं मापन के एक प्रकार से प्रकार ये बात ध्यान रखिएगा आगे बढ़ा जाए क्लियर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा मापन तथा मूल्यांकन के महत्व को बताइए मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो मापन और मूल्यांकन का बड़ा महत्व है छात्रों के लिए भी शिक्षकों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी तीनों के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्व है छात्र को अपनी प्रगति और योग्यता का पता लग एक प्रकार से लगता है जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका विकास भी होता है और उसमें खास करके मतलब उसे अध्ययन और परिश्रम करने की प्रेरणा मोटिवेशन भी मिलता है मापन और मूल्यांकन के माध्यम से ठीक है जब किसी ऐसे उसने क्या पढ़ा क्या लिखा उसका जब मापन हो जाता है मूल्यांकन हो जाता है रिजल्ट आ जाता है रिजल्ट अच्छा आ गया तो बच्चा बड़ा खुश होता है ठीक है और टेस्ट वगैरह होता है तो इससे क्या होता है उसकी परीक्षण लगातार परीक्षा होती रहती तो इसके माध्यम से वो बड़ा प्रभावी रहता है खुशी रहता है ठीक है और अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि और शिक्षा योजना में सुधार करने का अवसर भी मिलता है मापन और मूल्यांकन के माध्यम से अगर शिक्षा शिक्षण विधि में अगर मास्टर की कमी रह रही है तो बच्चे कम नंबर पाएंगे या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो अगर उसका भी परीक्षण कर लिया जाए टीचर का भी तो ये जरूरी होता है ठीक है तो एक प्रकार से ये चीज़ें होनी चाहिए अभिभावक की अगर बात की जाए माता पिता की पेरेंट्स की तो अपने बालकों की सही प्रगति का ज्ञान हो पाता है उनको मापन और मूल्यांकन के माध्यम से कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है पढ़ने में अच्छा है कि नहीं है तो संक्षेप में शिक्षा में खास करके कई प्रकार की उपयोगिता है मापन और मूल्यांकन की तो जैसे कि पहली उपयोगिता है छात्रों के चयन में सहायता करने की दृष्टि से मापन और मूल्यांकन यानी मापन और मूल्यांकन के द्वारा उपयुक्त छात्रों को उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देने में सहायता मिलती है और इसके द्वारा अनुपयुक्त छात्रों को छांट दिया जाता है और केवल योग्य छात्रों का ही चयन कर सकते हैं आप पहला महत्व तो ये दूसरा महत्व तो ये है कि विशिष्ट योग्यता की माप इसमें कर सकते हो इसमें सहायता मिलती है कि भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका आप चुनाव कर सकते हैं उनकी एक अलग एक प्रकार से बैच बना सकते हैं ठीक है इसके अलावा तीसरा मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या है भाई कि पाठ्य विषयों में चुनाव में सहायता मिलती है बालकों की विशिष्ट योग्यता की जांच के आधार पर उनको हम विषयों के चयन में सहायता दे सकते हैं कि भाई आप ये विषय पढ़ो आपकी इसमें रुचि है या आप इसको अच्छा तरीके से पढ़ते हैं अच्छे तरीके से तो इस प्रकार से हम उस छात्र को बता सकते हैं इसके अलावा चौथा महत्व ये है मापन और मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में कि व्यवसाय संबंधी मार्ग का प्रदर्शन कर सकते हैं मापन और मूल्यांकन के द्वारा बालकों की जो व्यवसायिक योग्यता होती है उसका अनुमान लगाया जा सकता है और उन्हें व्यवसाय चयन में सहायता भी दी जा सकती है मापन और मूल्यांकन के माध्यम से पांचवा महत्व ये है कि विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान भी एक प्रकार से मापन और मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो पाता है मापन और मूल्यांकन की प्रविधियों से शिक्षक को यह पता चलता है एक टीचर को कि बालक अपनी योग्यता अनुसार पाठ्य विषय में प्रगति कर रहा है अथवा प्रगति नहीं कर रहा है तो इस प्रकार विद्यार्थियों द्वारा किए गए परिश्रम की, की जाँच हो पाती है छठा महत्व ये है कि कठिनाइयों का निदान हो जाता है पूर्व कथन में सहायता मिलती है ठीक है शिक्षा में अपव्यय का निवारण होता है और अध्यापकों के कार्य की जांच होती है पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षण विधि के चयन में सहायता होती है मापन और मूल्यांकन से तो विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए मापन और मूल्यांकन अत्यंत उपयोगी हैं परीक्षा प्रणाली सहगामी क्रियाएँ आदि की उपयुक्त योजना बनाने में सुदृढ़ पृष्ठभूमि प्रदान कर उनमें अपेक्षित सुधार लाने में शिक्षक की सहायता प्रदान करता है मापन और मूल्यांकन तो इस प्रकार से शिक्षा में मापन और मूल्यांकन कार्यक्रम बालक शिक्षक तथा तो शिक्षण प्रक्रिया इन सभी पहलुओं में पग पग पर सहायता करता है और शिक्षा के उद्देश्यों को अच्छे से अच्छे ढंग प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जिससे तो कहीं ना कहीं मापन और मूल्यांकन का बड़ा महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में और ज़बरदस्त महत्व है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए प्रश्न आपका आ चुका है अधोलिखित आंकड़े का माध्यांक निकालिए मध्यांक माने माध्यिका तो अब इसका हमको माध्यिका निकालनी है कैसे निकालेंगे माध्यिका उसी को मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा मैंने कहा था कि मैं प्रश्नों को रखूंगा और मैंने यहाँ पर प्रश्न रखा प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे प्रश्न आपका दिया हुआ है पाँच सात चार तीन छः आठ दो ग्यारह और दस कितने अंक है भैया यक दुई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ अंक है देखेंगे मैंने बताया था विषम ही मिलता है अधिकतर नौ अंक है अब माध्यिका आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे सबसे पहला सूत्र हमने क्या बताया था सबसे पहला सूत्र आपका क्या होता है यन प्लस वन मीडियम का सूत्र क्या होता है यम डी जिसको आप बोलते हैं यम डी मतलब क्या होता है यन यन माने टोटल नंबर टोटल नंबर आपका कितना है भाई नौ है तो नौ हो जाएगा यम के स्थान पर प्लस वन बटे टू पद नौ और एक कितना हो गया आपका दस हो गया और बटे दो यानी कितना आपका मिलेगा दो पंचे या दो पंचे दस तो यहाँ पर आपका पाँच आ गया तो यानी एम भी अभी पाँच निकला है लेकिन अब हमको करना क्या है यहाँ पर अभी पहले इसको निकालना है या नहीं निकालना है लेकिन सबसे पहले चूंकि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले कि भाई ये एक क्रम में नहीं लिखा हुआ जब आप माध्यिका की बात करते तो आपको एक क्रम में लिखी होनी चाहिए संख्या सबसे पहले इसको हम एक क्रम में कर लेते हैं क्रम क्या है आपका सबसे छोटा हम उठा ले रहे हैं Osionfish. सबसे छोटा हमने आगे लिख दिया चाहे सबसे बड़ा उठा लो पहले लिख लो चाहे सबसे छोटा दोनों में उत्तर सेम ही आएगा मैं आप कहिए तो दोनों तरीके से आपको दिखा दूँ सबसे पहले हम छोटी संख्या को उठा लिया दो उससे छोट उससे बड़ी संख्या कौन है दो से तीन तीन हमने ले लिया तीन से बड़ी कौन है चार चार से बड़ी कौन है भाई पाँच पाँच से बड़ी छः छः से बड़ी कौन है सात सात से बड़ी कौन है आठ आठ से बड़ी कौन है नौ दिख रहा है नहीं नौ नहीं है नौ से आठ से बड़ी है दस यहां पर एक प्रकार से ये कितनी संख्याएं हो गई आपकी तीन और तीन छः दो आठ संख्याएं हो गई एक संख्या कहीं पर आपकी छूट रही है ठीक है देखिए यहां पर एक मिनट हां ग्यारह भी है देखिए ग्यारह तो ग्यारह यहां पर देखिए ग्यारह तो एक प्रकार से ये हमने लिख लिया श्रेणी में अब ये कैसी श्रेणी में घटते से बढ़ते क्रम में है ठीक है अब इसमें हमको माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका का सूत्र हमने क्या बताया था एन प्लस वन बटे टू पद यन कितना है यहाँ पर नौ है ठीक है प्लस वन बटे टू पद यहाँ पर वहाँ पद जरूर लिखेंगे वहाँ पद ठीक है तो देखिए नौ और एक कितना हो गया दस दस बटे दुई कितना हो जाएगा पाँच यानी पाँचवा पद तो यहाँ पर पाँचवा पद मीडियन के कौन होगा दी गई श्रेणी का पाँचवा पद पाँचवा पद कौन सा है पहला पद दो है दूसरा पद तीन है तीसरा पद चार है चौथा पद आपका पाँच है और पांचवा पद कौन सा है आपका छः है तो छः अर्थात दिखेंगे कि दी गई श्रेणी में जो एक प्रकार से पांचवें स्थान पर है यानी कि छः जो है पांचवें क्रम पर आता है शुरू से क्रम में चलने पर तो छः जो होगा यही मध्यांक होगा यानी कि यही माध्यिका है ठीक है तो छः आपकी क्या है माध्यिका है मेडियन है समझ में आ गई बात है यम है तो बस इतना सरल क्वेश्चन होता है तो अगर आपने ये चीज़ जान ली तो बड़ा सरल तरीके से आप दस नंबर पा जाएंगे बहुत ही सरल होता है दस नंबर का क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आप छोड़ करके बिल्कुल भी मत आइएगा सवाल आप कर दीजिएगा सवाल में वस्तुनिष्ठ नंबर मिलते हैं यानी कि दस नंबर का सवाल है कि तो दस के दसों नंबर आपको दे दिए जाते हैं ठीक है इसीलिए मैं सवाल को बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई सवाल कैसे हल किया जाता है बहुत सरल तरीका मैंने बताया कोई कठिन तरीका नहीं है सबसे पहले क्या करना है मैंने बताया था इसको दूसरे तरीके से मालिक सबसे बड़ी संख्या हमने पहले लिख ली ग्यारह पहले लिखा फिर दस लिखा फिर हमने आठ लिखा ठीक है फिर हमने सात लिखा फिर हमने छः लिखा फिर हमने पाँच लिखा फिर चार लिखा फिर तीन लिखा फिर दो लिखा संख्या कितनी है तीन तीन छः और तीन नौ संख्या है ठीक है नौ संख्या है अब सूत्र क्या होता है एन प्लस वन बटे टू वहाँ पद संख्या कितनी है नौ नौ प्लस एक यहाँ पर हो जाएगा नौ धन एक बटे पाँच मतलब दो ठीक है ये दो सूत्र से ही होता है एन प्लस वन बटे दो वहाँ पद ठीक है नौ एक दस बटे दो यानी कि आपका निकलेगा क्या पाँच तो इसने पाँचवा पद ध्यान रखिए देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच नंबर पर आपका क्या आया छः आया इधर से गिनोगे तो पाँचवें पर छ आएगा इधर से गिनोगे पाँचवें पर तो भी छः आएगा अर्थात छः जो है ये मध्य का अंक है यानी कि मध्यांक है यानी माध्यिका है ठीक है ये बात ध्यान रखिए यानी कि मेडियन है और माध्य निकालना होता है इसी नंबर का तो कैसे निकालते समांतर माध्य अगर आपसे पूछा कि इसका माध्य नित करना इसी श्रेणी का तो माध्य कैसे निकालना है माध्य का सूत्र क्या होता है बाबू माध्य का सूत्र होता है जो है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या यानी संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या अब यानी सिग्मा एक्स बटे जो है एन एन क्या होता है टोटल नंबर टोटल नंबर कितना है नौ है आपका और योग कितना बनेगा सिग्मा माने योग होता है एक्स माने इन संख्याओं का योग मतलब इन संख्याएं संख्याओं को एक्स बोला गया तो सिग्मा माने होता है जोड़ इन सभी को जोड़ लो सा पाँच और सात कितना होएगा सात पाँच आपका कितना हो जाएगा बारह बारह और चार कितना हो जाएगा सोलह सोलह तीन उन्नीस उन्नीस छः पच्चीस पच्चीस और आठ कितना हो जाएगा आपका तैंतीस तैंतीस और दो हो जाएगा पैंतीस पैंतीस और दस पैंतालीस और एक पैंतालीस एक छियालीस और छियालीस और दस कितना हो जाएगा आपका छप्पन ठीक है यहाँ पर आ जाएगा फिफ्टी सिक्स नौ से काटो फिफ्टी सिक्स को यानी छप्पन को नौ एक कम नौ नौ दुनिया अठारह नौ तीस सत्ता छत्तीस नौ, नौ बजे पता है नौ छक चौवन नौ छक चौवन ठीक है छः बार जा रहा है नौ छक चौवन पॉइंट में आप क्या लिखेंगे नौ छक चौवन और एक प्रकार से आपका दो बच रहा है फिर यहाँ पर जीरो जाएगा नौ दुनिया अट्ठारह दो बचेगा फिर दो बचेगा फिर जीरो होगा नौ दो अठारह इस प्रकार से दो 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 आपका चला जाएगा ठीक है तो सिक्स पॉइंट टू टू ठीक है तो सिक्स पॉइंट टू टू आपका एक प्रकार से क्या है ये निकलेगा आपका दी गई श्रेणी का एक प्रकार से क्या निकलेगा ये मध्यमान निकलेगा मध्यमान और मध्य अंक दो अलग अलग हैं मध्यमान है ये छः दशमलव दो दो दीघे श्रेणी का मध्यमान है लेकिन छः जो है ये मध्य का अंक है बीच में गई श्रेणी का जो मध्य अंक है वो क्या है वो छः है लेकिन मध्यमान क्या है छः दशमलव दो दो, दो। यानी अगर मान लेते हैं कि द, नौ लोग थे और नौ लोगों को बराबर बराबर रुपया देना है मान लेते हैं बराबर बराबर रुपया अगर हमको नौ लोगों में बांटना है तो हम छः दशमलव दो रुपया अगर बांटेंगे ठीक है यानी कि छः रुपया बीस पैसा पैसा अगर देंगे हम हर व्यक्ति को तो सभी को बराबर बराबर रुपया मिल जाएगा ठीक है ये होता है आपका मध्यमान ठीक है मध्यमान बीच का मान बीच की वैल्यू जिसको आप बोलते हैं वो होता है मध्यमान मध्य का अंक होता है माध्यिका और मध्य का मान होता है आपका माध्य ठीक है बहुल अंक माने होता है जो बहुत ज्यादा बार आया होता है श्रेणी में यानी कि बहुलक जिसको बोलते हैं बहुल अंक ये तीन होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें ठीक है क्लियर और इनसे एक प्रकार से प्रमाणिकता होती है इनमें तो इस प्रकार से आपने लगभग तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा जाना और परखा निश्चित तौर पर आपके समझ में आई हुई होगी बातें जो हमने बताई हैं एक बार फटाफट भड़ से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा इन सभी वीडियोस को ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते तो दो प्रश्न केवल करने होते हैं दीर्घुत्री में आपको खंडशा से पांच शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है ठीक है पांच क्वेश्चन दिए जाते हैं इनमें से केवल दो प्रश्न करने होते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को अगर बताने लगूंगा तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा ठीक है तो इसीलिए इन प्रश्नों के उत्तर को आप पढ़ लीजिएगा आ, अपने सीरीज वगैरह में आपको मिलेगा बाकी महासंग्राम वीडियो हमारी देखेंगे तो उसमें इन इस इस प्रश्नों के उत्तर को आपको मिल जाएगा इन प्रकार के प्रश्नों के बारे में और बाकी और भी मैं और भी माड़ा पर देने का प्रयास करूंगा आप चिंता ना करें पहला प्रश्न है आपका उपलब्धि परीक्षण क्या है इसके कार्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आ सकता है परीक्षा में रट लीजिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मापन की परिभाषा दीजिए तथा तो इसके विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगर आपने मापन और मूल्यांकन को ढंग से पढ़ लिया निश्चित तौर पर लगभग 30 से 40 परसेंट नंबर आपके मापन मूल्यांकन से ही आते हैं क्वेश्चंस और बाकी में आपका माध्य और मध्यमान मतलब कि माध्य माध्यिका और बहुलक से आते हैं एक आपका मानक विचलन से एक दो प्रश्न आते हैं सहसंबंध से एक प्रश्न आते हैं और एक प्रकार से उपलब्धि परीक्षण से एक आध प्रश्न आते हैं तो बस आपका खत्म हो जाता है यहीं पर ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा अगला प्रश्न आपका प्रमाणिक विचलन क्या है इसके गुण और दोष एवं उपयोगिता का वर्णन कीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये भी अगला प्रश्न विश्वसनीयता क्या है विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पांचवा प्रश्न तो और इम्पोर्टेंट है मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए तथा मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए तो मूल्यांकन की परिभाषा भी मैंने आपको बताई है मापन और मूल्यांकन में अंतर भी बताया है ठीक है दो प्रश्नों में तो उन दोनों प्रश्नों का मिलाकर के आप ये उत्तरीय प्रश्न भी लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे हल कर पाएंगे अगर आप इस प्रकार की वीडियो को देखे होंगे और भी वीडियोज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं आप देख लीजिएगा महासंग्राम वीडियो पड़ी हुई है और प्ले में वीडियोज आपको दो का जो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है दो तो हज़ार के मॉडल पेपर को देख लीजिएगा और दो का यह मॉडल पेपर देख लीजिएगा और महासंग्राम वीडियो दो का देख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बस आपका काम हो जाना तीन चार वीडियो जो मॉडल पेपर में पड़ी हुई है मतलब प्लेलिस्ट में पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री तीनों की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है एक ही प्लेलिस्ट में तीन पेपर को सम्मिलित कर दिया गया तो आप लोग देख लीजिएगा सारी वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा धन्यवाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए गुड नाइट आलाफी बहुत बहुत धन्यवाद